नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। पूरनपुर घुंघचाई रोड पर तेज गति से जा रहे ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। बाइक सवार नसीर अहमद की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक आसिफ की हालत गंभीर बनी है। मृतक नासिर अहमद अपने साथी आसिफ के साथ दिलाफपुर किसान बिक्र फील्ड्स ईंट भट्टे से पूरनपुर आ रहे थे, तभी स्वामी एजुकेशन महाविद्यालय के नज़दीक मोड़ पर सामने से आ रहे तेज गति से ट्रक ने बाइक में सामने से टक्कर मार दी। मारकर दोनों को रौंदता हुआ मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों युवकों को एम्बुलेंस की मदद से पूरनपुर CHC लाया गया। पूरनपुर पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल युवक का उपचार पूरनपुर CHC में चल रहा है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के द्वारा किया गया दौरा रात 12 बजे बाबा कपूर से प्रारंभ होकर छोटा बाजार होते हुए किला गेट चौराहे पर सुबह 5:30 पर समाप्त हुआ। दौरे के समय कई जगह गंदे पानी की शिकायत मिली तो कई जगह पानी की किल्लत सामने आई। वहीं कई लोगों का कहना था कि आज पानी काफ़ी प्रेशर से आया है, जिससे हमें पर्याप्त मात्रा में पानी मिल पाया है। इस दौरे में PHE के अधिकारी साथ रहे। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कड़े लहजे में कहा कि अगले दौरे पर मुझे इस तरह की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। मेरी जहां ज़रूरत पड़े मुझे बताओ, मैं हर स्तर पर इन समस्याओं के समाधान के लिए आपके साथ हूं, पर क्षेत्रवासियों की परेशानियां बर्दाश्त नहीं। और अब हमें दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।